हाँ जी, अन्य कोई? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। पूजा? हाँ भैया, आज ध्यान में जब हम आकाश के ऊपर उठ रहे थे तो जो कुछ भी हमारा वर्ल्ड का जो रिफ्लेक्शन है वो धीरे से वो छूट रहा था। जैसे हम ऊपर उठ रहे थे वो सब रिफ्लेक्ट होना बंद करना हो गया, और जब हम माँ के श्री चरण पहुंचे तो ऐसे लगा कि हम वाइब्रेशन जैसे माँ के श्री चरण के ऊपर थे। तो आपने कहा कि अभी मर्ज होना है, तो जब मर्ज हो रही थी तो मुझे एक रेसिस्टेंस महसूस हुआ। मेरे हार्ट में इच्छा आई कि या मेरा सोल का इच्छा था, क्योंकि वो लेफ्ट हार्ट कूल हो रहा था, और ऐसा था कि माँ मुझे मर्ज होने से पहले मुझे आपका जो बनाया हुआ चीजें थी मुझे उसको देखना है, आपका जो प्यार बहता है सबके अंदर वो देखना है, ऐसे इच्छा आई। और वो मेरा सोल का इच्छा था या पता नहीं क्या। उसके बाद में माँ का आंसर आया कि इसी अवस्था में तुम्हें वो प्राप्त होगा, जैसे इसी अवस्था में तुझे वो सब एंजॉय कर पाओगे। बट उसके बाद में मैं सो गई, वो जो 10 मिनट आपके जो साइलेंस होता है उसके बाद में मैं सो गई। माँ ने हटा दिया मुझे ध्यान से, क्या हुआ पता नहीं। और तभी उठी जब आपने कहा अभी समाप्त हुआ, तो मैंने बट मुझे मेरा वो जो सोल ने पूछा या मुझे हटा दिया क्या है वो पता नहीं, बट मैं उससे चीज से सहमत नहीं हूँ। तो वो क्या है जो सहमत नहीं है, जो मेरे अंदर मैं सहमत नहीं हूँ, मेरा ईगो सहमत नहीं है क्या? आपकी आपके अंदर कुछ मेंटल लेवल पे ये रहा ना कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो अब वो जो घटनाक्रम चल रहा था वो एक बिल्कुल ही डिवाइन घटनाक्रम था, तो आपके माइंड ने रेजिस्ट किया, तो श्री माता जी ने कहा अभी ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसे सुला दो थोड़ी देर के लिए, इसे ट्रैंक्विलाइजर दे दो, एनेस्थीसिया दो, छुट्टी। अरे माँ ने नहीं करी है, स्टूपिड चीज माने। माँ तो तुम्हें अपने में मर्ज करना चाहती थी, पर तुमने खुद अपने आप को बीच में रेजिस्ट किया है, ये मेंटल था टोटल, माइंड आ गया ना। तो फिर माँ ने कहा अच्छा भाई एक साइड हो जाओ, तो मर्ज हो रहे हैं, अब मर्ज हो जाते तो बहुत कुछ वैसे ही महसूस हो जाता, लेकिन आपने पहले माइंड अड़ा दिया, तो माने कहा भाई एक साइड हो जाए, अभी ये अप्रोप्रिएट नहीं है मर्ज होने के लिए। अच्छा हाँ। तो उस वक्त चूंकि प्रोसेस चल रहा था और आपके अंदर अड़चन आ रही थी, तो सुलाना ही पड़ेगा ना आपको फिर, वरना आपके जो मेंटल वेव्स हैं वो अन्यों को डिस्टर्ब कर सकते थे, तो सुला दिया आपको। इसीलिए बहुत से सहजी, मेरे जो होते हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं होते वो हट जाते हैं किसी ना किसी बहाने से, वो एंजॉय नहीं कर पाते उस चीज को या जुड़ नहीं पाते, हट जाते हैं किसी ना किसी कारण से। तब तो ठीक थी, उसके बाद में ऐसे ही सो गई मैं। ये कार्य है सहस्त्रारे महामाया का, सहस्त्रारे महामाया, वो केवल अप्रोप्रिएट जो से सायजी चेतना है उनको ही चुनती है, सॉर्ट आउट करती है कि भाई अप्रोप्रिएट कौन कौन है, आओ इन और आउट, इन और आउट उनका काम है। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम सही, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है ना, कंडीशनिंग ही तो बाधा है हमारी उत्थान में। वो कंडीशनिंग किस चीज से है? जो हमने सुना है, देखा है,
समझा है, जाना है देखकर, वही कंडीशनिंग है हमारी। हमने महसूस नहीं किया है, जो हम महसूस करते हैं वो कंडीशनिंग नहीं होती है, कंडीशनिंग इन चार चीजों से ही होती है। तो कंडीशनिंग के कारण अंदर से आया, नहीं, ये ऐसे करना है। अब आप देखो, माँ ने दोनों बाहें फैला रखी हैं, माँ कह रही है आ जा बेटा मैं गले लगा लेती हूं, हम कहेंगे नहीं, माँ जरा रुको, तो माँ कहेगी पीछे हट, औरों को आने दे। कि भाई तेरे चक्कर में और गले लगने से रह जाएंगे, इसलिए एक साइड हो जाओ। हाँ, जैसे कहीं क्यू में लगे होते हैं ना, क्यू में, तो वहां पे जिसका फॉर्म पूरी ढंग से भरा नहीं होता, वो कहते हट जाओ भाई, पीछे हटो, औरों को देने दो, जरा आप फॉर्म भर लो एक साइड में जाके। ठीक है पूजा, क्लियर, ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम। यस। तो इससे क्या हमने सीखा कि जब हम ऐसी कंडीशन में हो, अपना माइंड नहीं चलाने का बिल्कुल भी। अब सोल कभी ऐसी इच्छा नहीं करती है, सोल की इच्छा नहीं है मुझे ये देखना है। अगर माँ सामने खड़ी है और सोल सामने है, तो सोल तो कभी भी इफ एंड बट करेगी ही नहीं, क्योंकि उसे तो सोल को तो माँ के साथ जुड़ने में ही आनंद आएगा। एक बच्चा माँ के गले लगना चाहेगा या माँ से बातचीत करेगा या माँ से शर्त रखेगा? पहले गले लगेगा फिर बाद में बात करेगा, है ना? तो यही बात है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, हम सब ऐसे ही हैं, दुनिया भर की अड़चने डाल देते हैं हम भी माँ के बीच में, अपने बीच में, राइट? ऐसे दिमाग में आ जाएगा, पता भी नहीं था उस इसी समय इसी को स्ट्रेस। तो इसी को तो कंडीशनिंग कहते हैं। जब कंडीशनिंग को हम लोड करते हैं ना, तो साइलेंटली लोड होती जाती है, फिर कंडीशनिंग हमें चलाती है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसको हटाने का अभ्यास बनता है, धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए करते जाइए, हट जाएगी कंडीशनिंग। अब देखो, कंडीशनिंग को समझना हो, एक चीज से कोरिलेट कर रहा हूं मैं, बाकी लोग भी सुने बहुत ध्यान से। कंडीशनिंग को किस चीज से कोरिलेट करता हूं मैं? कंडीशनिंग को मैं ऐसे लोगों से कोरिलेट कर रहा हूं जो कोई संसार में कोई काम करने चलते हैं, कोई भी काम करने चाहते हैं, शॉपिंग करनी है, तैयार होना है, रेडी होना है, या कुछ भी करना है, जो बहुत टोका टाकी करते हैं ना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, वही इसमें भी कंडीशनिंग होती है, वो इसमें भी अड़चन अड़चन डालते हैं। समझ लो इस बात को, जो संसारी जीवन में हर चीज में अटक जाते हैं, वो यहां भी अटकते हैं। 100% कोरिलेटेड है दोनों चीजें। तो अगर आपको झांक के देखना है आप सबको कि आपके अंदर कंडीशनिंग है कितनी, तो अपने अंदर संसारिक आदतों को अध्ययन कर लीजिए, जो संसारिक स्तर पे हमारी आदतें हैं, हम कितनी जगह कितनी बार अटकते हैं, किन किन चीजों के लिए अटकते हैं, तो निश्चित रूप से ध्यान वाले मामले में भी अटकेंगे 101%। जो संसार के दैनिक जीवन में नहीं अटकता, वो यहां भी नहीं अटकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, आसान है समझने के लिए। लेकिन वहां तो सब दही देवता बैठे हुए हैं, सब वहां क्यों अटकेंगे भैया? क्योंकि आदतें पाल रखी है ना अटकने की जगह जगह। सांसारिक वाली हाँ, वो यहां भी तक कष्ट करती है आदतें। जो संसारिक जीवन में सिंपल सरल होते हैं, वो ध्यान में भी उन्नत हो जाते हैं, क्योंकि वो तो अड़चने नहीं है भैया उनकी। ये स्त्री की भी टोका टाकी होती है। मान लो जैसे मैं अपने
बेटे को ये 5th क्लास में ऐसे बोलती हूँ कि भाई स्लीपर जो है अपने प्रॉपर प्लेस पे रख दो, पेन पेंसिल जो भी आपका स्टेशनरी है उसको प्रॉपर नहीं प्लेस नहीं पे रख नहीं नहीं लो। नहीं 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 ये ये तो तो टोका टाकी नहीं हुई नहीं ना। नहीं ये तो टोका टाकी की बात नहीं है, अटकने की बात नहीं है, ये तो आप मदर हो। एक सांसारिक सेकंड एक सेकंड, सांसारिक उसमें कुछ अरे नहीं आपने गलत कोरिलेशन बना लिया ना। आप मदर हो, बच्चा छोटा है, उसको एक सिस्टम बताना है जीवन जीने का, सलीका सिखा रहे हो, तो ये अटकना नहीं है, ये तो आपका कर्तव्य है। अटकना क्या है, आपने कहीं तैयार होके जाना है तो पता लगा 2 घंटे तो जी। इसी चीज में अटक गए कि भाई पहने क्या और किसके साथ क्या पहने, तो ये अटकना है। ओ अच्छा जी। और अगर किसी ने आपके लिए कुछ कर भी दिया, नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, तो जो संसार में अटकते हैं वो ध्यान में भी अटकते हैं निश्चित रूप से। चेक कर लीजिएगा कभी भी, चैलेंज के साथ में बता रहा हूं। नहीं, ये तो सही बात है, ये रेडी वाली तो सही बात हाँ ये आसानी समझ में आएगी। ये तो सत्य वचन है कि 1-1.5 घंटा लग जाता है सिलेक्ट में या उसमें, ये सब तो। तो ये अटकना हुआ ना कि अब एक फ्री फ्लो है लाइफ का, उसमें हमने खुद ही अड़का दिया, हमने खुद ही टाइम खराब कर दिया इस चक्कर में। फिर बार बार देखेंगे ऐसे 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 ऐसे, अरे भैया वो इतने तो प्रोग्राम ही निकल जाएगा, तो ये ध्यान में भी अटकेंगे हर बार, कभी कोई कंडीशनिंग आएगी, कभी कोई कंडीशनिंग आएगी, कभी कोई कंडीशनिंग आएगी। आप देखिएगा ध्यान में उन्नत कौन हुए हैं, जो अपनी साधारण जिंदगी में सिंपल और सरल लाइफ जीते हैं वही ध्यान में उन्नत होते हैं, अजमा के देख लीजिएगा कभी भी। जो इन चीजों में अड़े हुए हैं वो ध्यान में भी ये अड़े सही हुए बात हैं, है, है नहीं? सही सही सही। तो जो जो संसारिक जीवन में इमेज कॉन्शियस है कि मेरी इमेज संसार में कैसी है, वो ध्यान वाले जो ध्यान का जो समूह है, यानी कि ध्यान का जो एक सामूहिकता है, उसमें भी इमेज कॉन्शियस है कि मेरी सामूहिकता में इमेज कैसी है, क्योंकि उन्होंने अभी भी ध्यान का स्वाद चखा नहीं है। वो इस ध्यान वाली सामूहिकता में भी संसार में ही जुड़े हुए हैं अभी, अभी वो ध्यान से जुड़े ही नहीं है, फैक्ट ये है। तो इस चीज से भी अटक गए तो फिर आगे कैसे चलेंगे? पॉइंट समझ में आया बहन? जी। सरल भाषा में अगर मैं कहूं कि बाह्य में जो अटके और क्या हैं, जो बाह्य वाले जीवन में अटक रहे हैं, वो भीतर के जीवन में भी भीतर अटकते के हैं, बिल्कुल बराबर अटकन है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय बहुत सरल है कि बाह्य जीवन में भी सरल हो जाइए तो ध्यान में अपने आप गहनता आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा बहुत से लोग मैंने देखे इतनी मीन मेख निकालते हैं ना, अरे ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे को या किसी को आप अच्छे स्तर पे शिक्षा देना चाहते हैं ताकि उसके जीवन में ना जी आए, उसे गाइड करना एक अलग चीज होती है, लेकिन हर समय जी किसी ना किसी चीज में मीन मेख निकालना तो वो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और बहुत ऐसे अच्छी। मीन मेख निकालने वाले उन्नत नहीं हो पाते सहज ध्यान में, कि वो फिर ध्यान की चीजों में भी मीन मेख निकालने लगते हैं। अरे ये लोटा यहां क्यों रख दिया, ये चुनरी ऐसे क्यों कर दी, ये फोटो यहां क्यों रख दिया। हाँ जी, एक सहजी है हमारे, वो इसी तरह का बहुत उनका सारे सपना हैं, है। बहुत सारे हैं बहन, तो मेरा मतलब है कि वो इन्हीं चीजों में लगे रह गए तो अंदर की तरफ चले ही नहीं ना, वो तो बाहर में ही अटके हुए हैं। तो अड़चन जितनी है वो बाहर की है, भीतर की कोई अड़चन नहीं है। तो ये है चीज अटकने वाली। तो पूजा आपको जवाब मिल गया? हाँ भैया, मिल गया। हाँ सरल सरल है बात समझने के लिए। है। नहीं और बताइए एनीथिंग एल्स?
आप दो तीन सेशन तो थैंक आपके यू। दो तीन सेशन तो हो ही चुके, आपको कैसा लग रहा है अब, अच्छा कैसा महसूस कर रहे हैं आप, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मेडिटेशन वही ऐसे पहले बहुत कंडीशनिंग हुआ होता था कि सुबह ऐसे उठ के होना चाहिए ऐसे, बट अभी अभी तो जब भी क्वेश्चन आता है अंदर तभी आंसर हो जाता है, तभी एक तरह की कंसोलेशन अंदर आता है। जैसे प्रश्न प्रश्न आता है तभी तभी सॉल्व हो रहा है, जैसे ऐसे उसको दबा के एक महीने के बाद ऐसे नहीं हो रहा है कि ओके अभी ओके, हाँ स्पॉन्टेनियसली होता है। और एक्सपीरियंसेस भी डीपर है और आसान है। मैं सही, ऐसे सोचती थी कि मेडिटेशन ऐसा होना चाहिए ऐसा, बट आसान लगता है और प्रॉब्लम्स भी आसानी दिख रहा है, जैसे इतना बड़ी समस्या नहीं दिख रहे, लाइक एक्चुअली सॉल्यूशंस भी उसके। और जो आप जो सामूहिकता अटेंड करते हैं, वो लोग आपको कैस किस तरीके से देख रहे हैं अब आज की तारीख में, हाउ दे आर लुकिंग एट यू? ऐसे कुछ नहीं है भैया, हमारा तो छोटा ही कलेक्टिव नहीं है नहीं चाहे छोटा ही और हो, हम आर दे नोटिसिंग सम चेंज इन यू? पता नहीं। नहीं मतलब कभी मिले हो, बातचीत करे हो? ऐसे कोई बताया नहीं बताए तो नहीं? पता नहीं। ओके ओके, आप कैसे, आपको क्या लग रहा है उन लोगों को देख के अब? चलो उनका तो पता नहीं, पर आपके अंदर क्या चलता है सबके प्रति? ऐसा लगता है कि उसको बताना है कि चेंज करना है चीजें, ओके ऐसे लगता है। बट क्या बोलते सब बड़े हैं तो पता नहीं, धैर्य नहीं है जैसे उसको चलो कोई सब बात बड़े नहीं, लोग हैं तो टाइम आएगा, टाइम आएगा। अब देखो कल्पिता ने भी तो आपको बताया ना, हाँ तो आपके द्वारा भी कहीं ना कहीं जरूर बताया जाएगा कभी ना कभी। जब कुछ होता है ना अपने भीतर में, तो फिर बाहर भी जाता है। जब भीतर में आएगा तो बाहर भी जाएगा, पक्की बात है। मैं तो वैसे ही पूछा। चलिए अच्छा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम सबके लिए अच्छी बात है ये। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। गुड 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 गुड, और बताइए एनीथिंग? उतना ही भैया। चलिए, और कोई आप में से कुछ कहना सुनना चाहते हो? हाँ जी, मेरे को फोरहेड पे ना यहाँ यहाँ से यहाँ में 24 घंटे में पता नहीं कितनी बार ये चीज रिपीट होती है अपने आप, लेकिन वो जो मैं अनुभव करती हूँ अनुभूति, मतलब वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा, मतलब आनंद आता है। ये इतना पार्ट जो है यहाँ पे किसी भी टाइम, और बहुत टाइम रिपीट होता है यहाँ पूरा, ये ऐसे चलता है और ठंडा, बिल्कुल ठंडा एकदम पूरा महसूस होता है वो ठंडा। अच्छे लक्षण है नहीं ये, है ये अच्छे लक्षण है। हाँ ये जो बिल्कुल सेंटर का चौबीस हिस्सा है। घंटे में, चौबीस घंटे में ये मतलब डेली का काम है, पता नहीं कितनी बार रिपीट होता है ये ऐसा है पार्ट ना, इतना, और मेरा जो चित्त है वो फिर यही आ जाता है एकदम, क्योंकि वो बहुत मतलब महसूस बहुत अच्छा होता है वो। कोई बात नहीं, ये है जीटी रोड। ये जो है जी यहाँ अच्छा जीटी, ये जो सेंटर आ गया है, जीटी रोड है। यहाँ जी इतना ट्रैफिक है विचारों का, लेकिन जब जब आनंद आने लगता है तो ट्रैफिक रुक जाता है। अच्छा और जब ये ट्रैफिक रुकता है ना थॉट्स का, तो यहाँ पे चक्र जो है अपना चलना शुरू होता है, तो उसी की हलचल आपको आती है और शीतलता एमिट होने लगती है ये।
ये बहुत अच्छे लक्षण है, ऐसा घटित होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी। थर्ड आई, तीसरे नेत्र का स्थान है ये, धीरे धीरे ये एनर्जाइज होगा, तीसरा नेत्र, थर्ड आई। बहुत सुंदर महसूस होता है, ये अपने हाँ, और आप इसके ही अटेंशन यहाँ आ जाती है। जब इसके जब ये अच्छा महसूस होने लगता है, एक विशेषता जन्म लेती है हमारे अंदर, हमें भविष्य के प्रति आभास जो होते हैं वो अच्छे और स्ट्रांग होने लगते हैं, भविष्य की बातों के प्रति सही आभास होने लगते हैं, इंट्यूटिव सेंस हमारा और ज्यादा बढ़ जाता है, इंट्यूटिविटी इंक्रीज होने लगती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि तीसरा नेत्र जागृत होने का मतलब है भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान होना शुरू हो जाना, यानी कि भूतकाल की भी कोई घटना है, हमको नहीं पता क्या हुआ पर हमें आभास हो जाएगा ये हुआ होगा, वर्तमान काल में कोई घटना घटित हुई हमें नहीं पता पर हमें आभास होने लगेगा ये हुआ होगा, भविष्य में कोई घटना घटित होनी है उसका भी आभास होने लगेगा कि अच्छा ये हो सकता है, तो आभास बढ़ने लगते हैं हमारे, ये इसका परिणाम है। और तकनीकी स्तर पे देखा जाए तो हम जो है विचार रहित अवस्था में रहने ज्यादा देर तक लगते हैं, अंदर शांति स्थापित होने लगती है, अशांति विचारों के कारण ही तो थी, जब विचार रुकने लगे तो शांति आने लगी, हाँ, निर्विचारिता बढ़ गई तो ये यहां चीज हो रही है। शीतलता आने लगेगी। हाँ जी, यही चीज होती है, शीतलता रहती है बहुत। अच्छे लक्षण है, गुड गुड साइन। मेरा एक क्वेश्चन बोलो जसलीन। है, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम अटैचमेंट फील करते हैं तो वो मतलब हमें पता है कि हमें नहीं होना चाहिए या हमें ऐसा फील नहीं करना चाहिए, बट हम ऐसा फील कर रहे हैं या वी आर गोइंग थ्रू इट, तो हम उसे कैसे डिसॉल्व करें या कैसे उठे? देखो, कोई भी अटैचमेंट आता है ना, जब भी कोई भी अटैचमेंट जो होगा वो आपको डेफिशिएंसी बता रहा है कि उस चीज की आपकी लाइफ में कमी है, राइट? तो उस कमी को आप सरेंडर कर दीजिए, प्रभु आपकी मर्जी, बस दिस इज द सॉल्यूशन। डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट और अट्रैक्शन, और अगर आपकी कमी साधारण नहीं है, असाधारण कमी है, तो उसको तो प्यार से सरेंडर कर दीजिए, और कमी साधारण है तो बाजार से जाके खरीद लाइए सामान, वो जो कमी लग रही है तो समझ गई। थैंक हाँ जी, और कोई? कितना आसान है ना, यहाँ पे ऐसे जीवन के सब बड़ी बड़ी प्रश्नों के उत्तर पा लेना। पर थोड़ा सा कठिन है उन उत्तरों को अपने जीवन में उतार लेना है ना, उत्तर तो मिल जाते हैं पर उनको अपने जीवन में उतारना थोड़ा कठिन लगेगा। मैं एक और एक क्वेश्चन पूछना चाह रही बिल्कुल थी। बिल्कुल पूछो। मैं देहरादून वर्कशॉप का एक वीडियो देख रही थी, उसमें आपने बोला था हमें जो चित अलर्टनेस बढ़ा के रखो, आप मैं मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ उसी में से आप बताना। तब आपने दीदी एक मिनट मुझे दे दीजिए। आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रही थी, उसमें आपने कहा था कि जैसे हमारा अपने एक मित्र पे चित गया और उसमें हमने हमें चित की तरफ अलर्ट रहना है, तो हमारी लेफ्ट की छुट्टी में पेन आया, फिर हमारे राइट हार्ट में पेन आया, फिर हमें ये इंडिकेट हुआ कि हमारा जो मित्र है हमारा दिल बहलाने के लिए हम दिल रखने के लिए झूठ बोलता है, तो ये वाला मतलब हमें खुश करने के लिए, तो
लेफ्टिट्यूड फॉर गिल्ट, तो ये मेरे को समझ नहीं आई, मतलब क्या चीज, क्या आपने चीज समझा नहीं मैं, आप तुम्हारी बात ना बीच में कट गई आपने थी। उसमें ना, हाँ 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 आपने ना उस देहरादून वाले वर्कशॉप में एक एग्जाम्पल कोट किया था कि आप हमेशा अपने चित्त की तरफ अलर्ट रखो, ठीक है, हाँ ठीक वो है, तो सुन लिया मैंने। जैसे कि आपका आपका चित्त आपके पोस्ट पे गया और उस समय आपकी लेफ्ट विशुद्धि कैच हुई, फिर उसके बाद आपका राइट हार्ट कैच हुआ, तो लेफ्ट विशुद्धि कैच होने का ये मतलब है कि आपका जो दोस्त है आपको कुछ करने के लिए झूठ बोल देता है या ऐसे करता है, और उसके बाद वो इनसिक्योर भी है इमोशनली, तो लेफ्ट विशुद्धि, तो मैंने कहा कि गिल्टी फीलिंग के लिए ना, कि हमने कुछ गलत किया, हमें गिल्टी फील हो रहा है, या हमें कुछ गलत बोल दिया जो हमें नहीं कहना चाहिए, हमें गिल्टी फील हो रहा नहीं है। नहीं 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 गिल्टी तो, गिल्ट जो होता है वो बाद में आती है, पहले तो झूठ है ना, पहले झूठ बोलता है आदमी, फिर अच्छा गिल्टी होता है, फिर झूठ बोलता है, फिर गिल्टी होता है, फिर झूठ बोलता है, फिर गिल्टी होता है। ओके ओके, और जब वो उसमें झूठ ऐसे बोलता करने है से मैं गिल्टी सुन, होता है, जब वो झूठ बोलता है गिल्टी होता है, तो फिर इनसिक्योर होता है। भाई झूठ बोलने वाला तो सदा इनसिक्योर ही होगा रहेगा राइट ना। ओके। उस समय मैं ना दो बार ही सुना, फिर मैंने कहा कि मैं पूछूंगी, मुझे समझ नहीं आया था। चलो अब वैसे मुझे तुमने याद दिलाया, वरना मुझे तो याद ही नहीं होता कि क्या बोला था क्या नहीं बोला था। बट मैं अब एक चीज और महसूस करती हूँ, हमने जैसे प्रोग्राम भी अटेंड किए और वर्कशॉप्स के वीडियो घर आके भी देखे, पर अब ज्यादा समझ में आ रहा हालांकि वो आप कहते हो वो बेसिक वीडियोस है, पर अभी तो वही से ही लग रहा है कि कितना कंटेंट है इसमें। एक्चुअली जब हमारा यंत्र उन्नत होने लगता है ना, तब हमें चीजें समझ में आती हैं। और अब वो चीजें घटित भी होती है ना, जैसे ये वाली चीजें, जैसे प्राती वाला एक्सपीरियंस घटित हुआ, ये वाला एक्सपीरियंस, तो फिर मैं कनेक्ट करती, अरे यही तो 2 दिन पहले हुआ था, इसका आंसर किसी में मिल गया, अरे डायरेक्ट करो, कोइंसिडेंट है, केम अक्रॉस दैट वीडियो। एक्चुअल में हुआ क्या है कि आई शुड थैंक टू द कोरोना काल, कि कोरोना काल ने आप सबको थोड़ा सा समय निकालने के लिए बाध्य कर दिया कि आप ध्यान के लिए समय निकालें, क्योंकि कुछ करने को था नहीं ऐसा विशेष। हाँ कुछ रहा हुआ मजबूरी वाला, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। तो इस काल में आप लोगों के यंत्र धीरे धीरे उन्नत होने लगे। जब वो उन्नत होने लगे हैं, तो पुराने वीडियो अब समझ में आने शुरू हुए हैं कि वो पहले था क्या एक्चुअल में। बिल्कुल अगर ये शुरू से ही हमने प्रायोरिटी दी होती ध्यान की तरफ, तो पहले ही समझ में आ जाते। हम में से ज्यादातर लोग पता है कैसे होते हैं, हम में से ज्यादातर लोग बड़े अपने आप को ना वो समझते हैं, अरे भाई हम तो बड़े बिजी पर्सन हैं, भाई हम पे तो टाइम ही नहीं है। हम अपने आप को ऐसा समझते हैं, वी आर वेरी बिजी, वी डोंट हैव टाइम, ओहो मेडिटेशन के लिए समय नहीं निकल पाता, और अरे अरे मेरे को तो बहुत काम है, अरे मैं तो बहुत एंगेज हूं। अब ये जो एक बहुत बड़ा भ्रम हम रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, तो हमें ध्यान में उन्नत नहीं होने देता ये। और बाद में हम अफसोस करते हैं, हाय हमने 5-7 साल तो बेकार ही निकाल दिए, इन्हीं भ्रमों में निकाल दिए हमने अपने प्रति। खैर फिर करोना काल को धन्यवाद दूंगा, इस करोना काल ने तो बहुत सारे यंत्रों के लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया है। तो वो वाली चीजें अब धीरे धीरे पल्ले पड़ेंगी, शिमाता जी के भी लेक्चर अब समझ में आएंगे। जब यंत्र विकसित होगा तो माँ की बातें भी समझ में आनी शुरू होंगी धीरे धीरे। पहले तो सुनी चाहे 10 बार होंगी, पर पल्ले नहीं पड़ेंगी बातें। जिस फ्रीक्वेंसी की बातें हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे आप स्टैंड नहीं करेंगे, तो आप कैसे समझेंगे उन बातों को? माँ की बातें कोई शब्द तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी है एनर्जी की, और वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आप रिसीव करने लायक नहीं है, तो आप उनकी बातें समझ ही नहीं सकते। चलिए धन्य है श्री माता जी, कोरोना काल लाकर बहुत सारे यंत्रों के लिए उद्धार का काम किया है। हाँ और बताइए जसलीन। So far, so good. और कोई, रमनी बहन ने कहा था
कि लास्ट में मैं बताऊंगी, अगर हैं दीदी पता नहीं क्यों तो आ इतना जाइए, वरना कुछ सो है गई रमनी हूं मैं। दीदी है। रमनी भैया जाग रही है, सो रही है? शायद वो बाहर होंगी इसलिए अभी आ गई। अनम्यूट आती हूँ आती हूँ एक आती हूँ आती हूँ एक एक रात्रि के दूसरे पहर की समझ नींद ले ली गई। होगी पूरी। एक मिनट मैं जरा बैटरी चेंज कर लूं, बैटरी चेंज करूं बहन, अभी मत बोलना। जाकर भी नींद नहीं आती, मैं और भी ज्यादा जी एक्साइटेड बताइए बहन जी, अब जो कुछ बताइए सुना जी, बताइए बहन। भैया ऐसा था कि मैं 3 4 दिन पहले ध्यान करी थी, तो ध्यान में ही मेरे को एकदम एक क्वेश्चन अंदर से आया कि हम अक्सर ध्यान में आप कराते हैं ना कि अपनी आत्मा को अपनी चेतना में महसूस करो, तो मेरे अंदर आया कि उस वक्त हम इतनी बार करते हैं पर उस वक्त हम क्या महसूस करते हैं। तो क्वेश्चन का मैंने फिर अपने अंदर ही आंसर ढूंढने की कोशिश की, चेतना को मतलब चेतना में हम महसूस क्या करते हैं जब आत्मा को हम बाहर रखते हैं, कि इसके बारे इतना कुछ सोचा नहीं। तो भैया मुझे करेक्ट करना कि जो मैंने सोचा और जो आप कहना चाहते हैं उसमें क्या मतलब कुछ डिफरेंस है। तो मुझे ऐसे लगा कि जब हमारी आत्मा चेतना में आती है उसको महसूस करते हैं, तो आत्मा का चेतना में जागृत होना मतलब है कि हमारी चेतना में जो भी कंडीशनिंग है, जो भी अंधकार है, जो भी इसके विकार है, ये उनको दूर करना शुरू कर देती है। मतलब हाँ, हमारे अंदर जो एक प्रकार से कह सकते ठीक है हैं, भैया एक प्रकार से कह सकते हैं, जी भाई। क्योंकि 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 हम पहले हमारे अंदर बहुत सारे दोष थे, हमारे अंदर अटैचमेंट्स भी थी, हमारे अंदर हजारों तरह के वैसे दोष थे, पर अब लगता है कि अब उनमें से थोड़ा थोड़ा कुछ रह गया होगा बट हम उन्नत हो रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन एक और आया कि जब आप कहते हैं ना कि चेतना को अब आत्मा में देखो, तब उस वक्त फिर उस पर मैंने चिंतन किया, मैं क्या इसका सवाल इसका उत्तर मुझे अपने अंदर से ही ढूंढना पड़ेगा कि उस वक्त हम फील क्या करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि उस वक्त क्या फील करना है, तो मुझे ऐसे लगा चिंतन करके कि हमारी आत्मा तो साक्षात शिव का मतलब प्रतिबिंब है हमारे भीतर। तो शिव जी जो जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, उन्होंने क्रिएट करके वो साक्षी भाव से हमें देखते हैं कि हम कैसा आचरण करते हैं, हमारी कैसी आदतें, हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चलते, मतलब वो सब कुछ साक्षी भाव से देखते हैं। पर है वो मतलब पूरी तरह से चैतन्यमयी मतलब ऊर्जा है। तो उनके भीतर हमारी चेतना तभी जा सकती है जब हम माँ के श्री बालक बनेंगे, यानी हमारे अंदर इतनी प्योरिटी होगी कि हम उनके अंदर प्रवेश कर सके, मतलब एक हो सके उनके साथ। उसके लिए हमें बहुत प्योरिटी चाहिए, हमें श्री माता जी के श्री बालक बनना पड़ेगा। मुझे अंदर से ये आया कि आपके कहने का भाव ये है। और तीसरा क्वेश्चन मेरे अंदर आ रहा था कि जब हम अपनी आत्मा को अपने मस्तिष्क में देखते हैं तब तो क्या महसूस करते हैं। तब उसमें बताया कि हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या है, वो हमें विचार देता है, वो हमारा मन है। जब हम अभ्यास कर लेंगे कि मन को अमन में बदलने का, तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो हमारे ब्रेन में रहना आरंभ कर दिया इसने, मतलब हमारे विचार खत्म हो जाएंगे, हमारा मन अमन हो जाएगा। ये दो चीजें मुझे ऐसे महसूस हुई। भी अब आप करेक्ट कीजिए, ये मेरे नहीं, क्वेश्चन थे। ये शब्द कहना तो उपयुक्त नहीं है कि मैं करेक्ट करूं। मैं करेक्ट करने वाला आपके अनुभवों को कोई नहीं होता, ये अनुपयुक्त है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ, मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूं, क्योंकि हम सबको अपना हाँ जी हाँ जी अनुभव शेयर कीजिए।
ईश्वर हमें हाँ जी हमारे मुताबिक अपने अलग अलग चीजें बताते हैं हमारे को। देखिए आपकी बातें लगभग समान है, कोरिलेटेड है, सही है, क्योंकि देखिए अब हमारी आत्मा जो है ईश्वर का एक हिस्सा है, ईश्वर का अंश है, तो और ईश्वर के अंश को परम पिता ने मानव देह में स्थित किया, और जब परमात्मा का अंश किसी भी देह में स्थापित होता है तो उस देह में जागृति आ जाती है, यानी कि वो देह जो है जागृत हो जाती है, और जब वो देह जागृत होती है तो उस देह का जो एक क्या कहना चाहिए जागृति है, उसको हम मानवीय चेतना कहते हैं। मानवीय चेतना, मानव रूपी देह और देह से जुड़ा संसार, और संसार के मुताबिक एक चेतना जागृत हुई है, वो है मानवीय चेतना। मानवीय चेतना में क्या चीज जुड़ी हुई है? मानवीय चेतना किससे उत्पन्न हो रही है? जो मानवीय इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों ने जो ग्रहण किया है, उस ग्रहण करने से मानवीय चेतना विकसित हुई, राइट? अब चूंकि चेतना चूंकि मानवीय चेतना है, जब तक हम इसे परमात्मा के अंश के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये मानवीय चेतना केवल मानवीय चेतना ही रह जाएगी, उन्नत चेतना नहीं हो पाएगी। आत्मा ही वो जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी चेतना को उन्नत कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, एक प्रकार से परमात्मा ही है। तो परमात्मा को यदि हम अपनी चेतना से जोड़ देते हैं, तो परमात्मा अपनी ज्ञान को, अपनी जो ऊर्जा है, उसको हमारी चेतना में प्रवाहित करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमारी सीमित चेतना असीमित चेतना में परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि परमात्मा को हम अपनी सीमित चेतना से जान नहीं सकते, हमको अपनी चेतना को भी असीमित बनाना होगा, तब जाकर हम परमात्मा को जान पाएंगे, क्योंकि वह असीमित है। और उससे पहले पड़ाव में हमें अपनी आत्मा को जानना होगा। हमारी चेतना इतनी सीमित है कि आत्मा को भी नहीं जानती, तो अपनी चेतना को हम आत्मा के साथ रखते हैं ताकि हमारी चेतना आत्मामयी हो जाए, इसकी ज्ञानेंद्रियां थोड़ी सी और खुल जाएं, ताकि परमात्मा का से जब आभास हो तो ये जान पाए कि ये परमात्मा है, ये मानव है, ये आत्मा है, ये बुद्धि है, ये विवेक है, ये अबोधिता है, ये सेगमेंट तभी समझ पाएगी वो। अब एक आम आदमी को पूछो, भाई अबोधिता किसे कहेंगे? वो तो बता ही नहीं सकता, क्योंकि जो मन से संचालित है वो अबोधिता के बारे में नहीं बता सकता। अबोधिता के बारे में केवल जागृत मनुष्य बता सकता है, क्योंकि वो मन से परे है। जो मन में संलिप्त है वो अबोधिता के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकता, उसको तो आइडिया ही नहीं अबोधिता कहते किसे है, क्योंकि उसके अंदर तो खोपड़ी में विचारों का बम्बार्डमेंट होता रहता है, और जो विचार है उसके कारण अबोधिता तो रह ही नहीं सकती कभी भी। अबोधिता तो अविचार अवस्था से उत्पन्न होती है, तो विचारिता से अबोधिता तो कैसे समझेगा? तो इसलिए आत्मा के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमें ये सारे हमारे अंदर की विभूतियां, अलग अलग विभूतियां समझ में आने लगती हैं, और हमारी चेतना सीमित चेतना असीमितता में परिवर्तित होने लगती है, तब जाकर परमात्मा का आभास हमारी चेतना को होता है। तो एक प्रकार से ये एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज है ये, अपनी चेतना को आत्मा से महसूस करो, अपनी चेतना में परमात्मा को महसूस करो, परमात्मा में अपनी चेतना को महसूस करो। अब परमात्मा में अपनी चेतना को कैसे महसूस करेंगे? वो जो सीमितता है, सीमितता जब असीमितता में जा रही है तब उसे कैसा लगेगा असीमितता? अब सीमितता में रह के सीमितता को कैसा महसूस करेंगे? ये ऐसे ही है जैसे एक डड्डू को उठाओ कुएं में से और उसे नदी में छोड़ दो,
तो डड्डू कैसा महसूस करेगा? कुएं में डड्डू अपने आप को देखता था कि 5 मीटर का गोलाई वाला, 5 मीटर के व्यास वाला एक क्या कहते हैं कुआं है, और उसमें डड्डू है 4 इंच का। तो अपने अनुपात को देखता है कि मैं इस 5 मीटर वाले कुएं के अंदर कितना बड़ा साइज का महसूस होता हूं मैं। अब वही डड्डू को उठा के नदी में डाल दो, तब वो डड्डू जो है नदी में अपने आप को तोल रहा है कि जब तू कुएं में था तो तू इतना बड़ा दिखाई देता था, अब नदी के अंदर तो तू दिखाई भी नहीं दे रहा है, ना के बराबर हो गया। पर है तू, हो तो छोटा गया है लेकिन है ना, मौजूद है ना। फिर डड्डू को उठा के समुंदर में डाल दो, अब वो कहेगा हूं तो अभी भी, पर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं हूं या नहीं। तो इसी प्रकार से हमारी चेतना डड्डू समान स्थान जब बदलती है तो अपना भी आंकलन करती है और जहां वो है उसको भी महसूस करती है। तो ये कोरिलेशन है इसका। तो इसलिए इस प्रकार का अभ्यास करने से लाभ होता है हमें। अगर यही अभ्यास कर रहे हैं तभी जाकर बहुत सारी बातें माँ की समझ में आने लगी हैं, क्योंकि असीमितता के साथ जुड़ गए तो माँ असीमित हैं, तो उनकी बातें थोड़ी थोड़ी तो समझ में आने लगी हैं कि आखिर माँ कहना क्या चाह रही है। हेवन जी तो डड्डू वाला उदाहरण याद रखिएगा, सभी लोगों को बड़ा आसान होगा समझने के लिए। वीक हमने जो ध्यान किया था उसमें एक मैंने प्रैक्टिस की थी कि अपनी आत्मा में परमात्मा को महसूस करना। मैंने इसको प्रैक्टिस किया तो 2 दिन से आज और कल में क्या हुआ, जैसे मैं बैठी हूँ फिर मैं देख रही हूँ, अच्छा मैं सबको देख रही हूँ, ऐसे थर्ड पर्सन होके मैंने फील कर रही थी, और एकदम से वो फ्लैश करते कि जैसे हम तो आत्मा हो। मैं रोड पे खड़ी हूँ तो मैं देखी, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये और स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, तो मुझे मतलब अब थोड़ा सा ग्लिम्स हो रहा है कि कैसे आत्मा फील करती होगी परमात्मा के साथ। यस, ये प्रैक्टिस है, ये इट्स अ प्रैक्टिस। मेडिटेशन इज नथिंग बट ए पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस, और इसलिए वेरिएशन मेडिटेशन में वेरिएशन होगा तो हमारे अनेकों प्रकार के पैटर्न जो है हमें समझ में आने लगेंगे। बार बार चीजें चेंज ये होती जब रहती हैं उसको स्टार्ट किया हैं था, जी। जब स्टार्ट किया था 2014 में, तो हमें पहले हृदय संस्थान का ध्यान करने में थोड़ी दिक्कत आई, मगर फिर हो गए ना उसको करने लग गए, और अब ये भी सब हो जाएगा हर वक्त हो ही नेगेटिव रहा है करते बहन, रहेंगे तो यही हो रहा है। आप देखिए ना, ऊर्जा में। उन्नत आप सब लोग उन्नत होते जा रहे हैं, और इसको समझने के लिए सबसे आसान है अपने संसार की तरफ दृष्टि कीजिए। जब संसार की तरफ दृष्टि करेंगे तब समझ में आएगा कि उन्नत कितने हो रहे हैं। अब संसार कुछ सही अलग ही कह नजर दिया। आएगा। जैसे कि हम सड़क पे खड़े होते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं इतनी बिल्डिंग है, कोई ऊंची बिल्डिंग है कोई नीची बिल्डिंग है। फिर हम क्या करते हैं, हम पहली मंजिल पे जाके खड़े होते हैं, पहली मंजिल से देखते हैं तो देखते हैं बिल्डिंग जो है थोड़ी सी अलग दिख रही है। फिर हम दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, और एक दिन हम छत पे खड़े होकर बिल्डिंग देखते हैं तो बिल्डिंग हवा में थोड़ी ऊपर से भी नजर आने लगती है, थोड़ी थोड़ी किसी किसी की छत भी दिखाई दे जाती है। और फिर एक बार क्या होता है, हम किसी जायंट व्हील पर बैठते हैं, जायंट व्हील जो बड़ा ऊंचा वाला झूला होता है उसमें बैठ के हम देखते हैं तो देखते हैं अरे ये जो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी ये तो इतनी ऊंची नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम फ्लाइट में जाते हैं, एरोप्लेन से हम जमीन को देखते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो कणों जैसी दिख रही है, ये जो जो बिल्डिंग्स हैं वो तो छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो गई हैं। और फिर बाय चांस कुछ लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं स्पेसक्राफ्ट में बैठ के,
स्पेस में बैठ के देखते हैं तो लगता है अरे बिल्डिंग तो छोड़ो, ये तो पृथ्वी कण जैसी दिखने लगी। तो बहन ये अंतर है, जितनी हाइट होती जाएगी संसार उतना छोटा नजर आएगा। नीचे हमें रहेंगे तो अपने रहस्य संसार ही नहीं आफत दिखाई पहुंचे। देगा। लंबी यात्रा, अभी तक छत नहीं पहुंचे। अब मुझे नहीं पता, सब लोग अपने आप को देखो कहाँ हो, वहां से संसार को देखो, तो एक स्थिति में आके संसार बिल्कुल कण बराबर नजर आएगा और उसका कोई अस्तित्व भी नजर नहीं आएगा संसार का। इसलिए मैंने इसका उदाहरण इससे दिया है, बिल्डिंग से। बिल्कुल ऐसी अवस्था होती है ध्यान में, जब आप उन्नत होने लगते हैं ना, तो संसार आपके लिए महत्वहीन होने लगता है। महत्वहीन, नगण्य है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसी में इसका दूसरा उत्तर छुपा है कि जिनको संसार अभी बहुत मजेदार लग रहा है तो समझ लीजिए उसे मैं क्या बोलूं, खुद ही उत्तर दीजिएगा अपने आप ही कि संसार जिसको बहुत मजेदार लगता है तो उसका क्या स्थिति होगी ध्यान में। ये संसार को तो श्री माता ही ने दिखाया, ये मिथ्या है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है सब कुछ मिथ्या है। वो तो माने कह दिया, पर हमें कितना अनुभव हो रहा है मिथ्या हाँ और सत्य, ये हमारे पे निर्भर करता है। वही हमारी प्रकृति है, बिल्कुल, वही प्रकृति है हमारी। लास्ट टाइम आपने प्रायोरिटी कहा था ना, तो बस वो पल्ले बांध ली कि प्रायोरिटी को अपने ध्यान प्रायोरिटी श्री माता जी है। आपने महाभारत की कोई फिल्म वगैरह देखी होगी, पुरानी मूवी महाभारत काल की, या सीरियल हाँ देखा जी, होगा, उसमें श्री कृष्ण जी ने देखा है। विराट स्वरूप दिखाया हुआ है हाँ उसको, जी, अर्जुन को। अर्जुन को। तो उसमें दिखाया है कि भाई पूरी दुनिया उनके मुंह में जा रही है और निकल के फिर आ रही है, फिर आ रही हाँ, है, फिर जा आ रही रही है। है। तो बहन संसार का तो ये क्रम बना ही रहेगा, इसमें लिप्त होके करेंगे भी क्या आखिर इतना। तो उन्होंने इसलिए दिखाया था ये समझाने के लिए कि भाई संसार तो चक्र है, इधर मर रहे हैं उधर जी रहे हैं, और ये अनवरत है, चलता ही रह रहा है, चलता ही जाएगा। तो हमें इस चक्र से बाहर निकलना है, अपनी चेतना को इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकालना है। संसार एक का चीज बस, पूछूं, अच्छा हाँ बोलो सॉरी, बोलो बोलो। इसी से कनेक्टेड था, जैसे संसार में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं है, पर मेडिटेशन में हम बोले कि हमने बहुत ग्रोथ हमारी हो रही है, या हम जैसे पिछले टाइम आपने कुछ पॉइंटर्स दिए थे कि अगर आप ये चीजें हो रही है तो आपकी ग्रोथ है मेडिटेशन में वो वाली, पर जैसे हम होते ना, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है संसार में, या हम बहुत इंजॉय भी नहीं कर रहे, पर मेडिटेशन में हमारी ट्रेमेंडस चीजें हो रही है, वो भी नहीं अब मैं ये तो खुद ही आप देख लो ना आप लोग, मैं क्या बताऊं खुद। सिंपलिसिटी में रहते हो, अगर आप ऐसे आपको बहुत ज्यादा आप एम्बिशियस नहीं हो तो आपकी ग्रोथ हो रही है, वो 6-7 पॉइंट आपने बताए थे, उन चीजों पे तो उतर रहे। संसार में हम बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं कर रहे, जैसे कहीं जाना आना होता है या लोगों को दिखने, वी आर नॉट इंजॉइंग दैट, पर हम मेडिटेशन में ऐसे लग रहा है कि हाँ हमारे ऐसे हो रहा होगा, या अभी हमें संसार अंतरिक्ष से दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने तो, अरे मैं तो बता दिया है, ये थोड़ी है कि आज ही दिखने लग जाएगा ऐसा। भाई जितना दिख रहा है उतना देख लो, जितना दिख रहा है उतना ही देख लो। मैं तो एग्जाम्पल दिया है, आप ये खुद का आंकलन करो, आप खुद का आंकलन करो कि जमीन से देख रहे हो कि फर्स्ट फ्लोर से देख रहे हो कि सेकंड फ्लोर से देख रहे हो, डिपेंड करता है ना कि आपको दिखता क्या है। आपका दिखना ही आपका आंकलन है अपन की स्थिति का। तो हमारे ये जो हमारी जो संसार की प्रायोरिटी है
उससे ही हमें पता लग जाता है कि हम कौन सी स्थिति में बैठे हैं। तो ये व्यक्तिगत स्तर पे हम सबको खुद देखना चाहिए, बाकी उसमें कोई ये कोई डिबेटेबल नहीं है कि कितना दिखना है कितना नहीं दिखना है। अब हम लोग सब चल रहे हैं, नहीं, मेरा मतलब ऐसे हम वी ऑल आर मूविंग। लोग ग्रो कर रहे हैं, पर ऐसे लग हाँ तो कोई बात नहीं ना, वो तो सब यस अलग 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 स्तर पे महसूस करेंगे ना। अब मैं भी तो किताबें पढ़ पढ़ के गप मार देता हूँ यहाँ पे कि भाई देखो ऐसा है ऐसा ऐसा ऐसा, मैं भी तो चल रहा हूँ, हूँ थोड़ी ऐसी स्थिति में। I'm also moving. मैं भी दे तो सुन लेता हूँ और फिर अपना बता देता हूँ, और दूसरा भीतर से जो आता है वो देखो बता देता आपकी हूँ। लेफ्ट शुद्धि चली जाएगी भीतर से जो भीतर से आता है हार्ट में, श्री माता ही दे देती हैं, वो आगे बढ़ा देता हूँ बस। मैं भी तो क्या करूँ, पर मैं भी तो आई एम ऑल्सो लर्नर, जो मेरे भीतर से आ रहा है उसको तो उसका तो लर्नर मैं भी हूं ना। आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम वॉट इज कमिंग आउट फ्रॉम माई हार्ट, वो मेरे लिए भी तो एप्लीकेबल है ना। अब देखो ना, मेरे भी अपना जो बाधा आ गई ना, हमने इसमें लोअर बैक में आ गया ना, मूलाधार हो गया ना खराब मेरा भी। मैं भी तो साधारण मानव हूं। तो भाई हम सब एक से ही तो हैं। बात याद आ रही है, जैसे किसी वस्तु को देखकर हाँ या किसी की बातों को सुनकर हमारे अंदर जब निर्विचारिता आ जाती है तो वही मेडिटेशन है ना? तो आप ये किताबों से पढ़ के गप्पे मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर इनको सुन के ना अंदर निर्विचारिता आती है अब ये सारी बातें हैं तो अच्छी ना भाई, आप बातें तो इनको अच्छी अच्छी गप्पे है कहें या ना। कुछ भी कहें, पर हमारे अंदर तो निर्विचारिता आ रही है ना, तो हमारे लिए तो हम इतने श्री माता जी से जोड़ रही हैं, तो हमारे लिए तो एकदम परफेक्ट है ये सब। अब देखो ना, श्री राम का नाम कोई लंपट ले ले या कोई संत ले ले, श्री राम का नाम तो श्री राम का ही नाम है ना, उससे तो अच्छा ही लगेगा ना, उससे खराब कब लगता है बताओ। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, तो भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि किताबों से पढ़ अरे के तो क्या है, दुनिया भर की चीजें पढ़ते भी तो है ना हम, इधर उधर से हमारे माइंड में संग्रह हो जाती हैं वो सारी चीजें, फिर वो निकल जाती हैं एक दिन मुंह से, वो अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं तो आप लोगों को इसलिए अच्छा लगता है, और कोई खास बात नहीं है। हाँ बताइए नेक्स्ट कोई। नहीं भैया, ये बात तो निशा दीदी ने बिल्कुल ठीक कही है कि निर्विचारी तो आती है। जब ये सेशन चल रहा है ना, तो बाहर का कोई भी विचार स्ट्रक नहीं कर रहा माइंड में, जबकि ध्यान में फिर भी विचार कहीं ना कहीं आ रहे थे, और जी लेकिन जब ये सेशन चलता तो उसमें कहीं कोई विचार नहीं आता। उसका रीजन क्या है भैया? उसका रीजन है माँ का प्रेम, आपको माँ प्रेम दे रही है ऐसे माध्यम से, इस मतलब सामूहिकता के जरिए बस, और क्या। और आप सब इतने अच्छे अच्छे स्तर की चेतनाएं हैं जिनके कारण अच्छी अच्छी ऊर्जा मिल रही है, माँ को प्रेम मिल रहा है, तो सबको लाभ हो रहा है, ये कारण है भैया इसका। मुझे एक चीज पूछनी है आपसे कि जी आप कहते हो कि ध्यान सिर्फ एक प्रैक्टिस है, बिल्कुल मतलब जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हम ध्यान में उसी से उतरते हैं। जी जब मैं ये कहती हूँ कि भैया मैं अपनी चेतना को कहीं अपनी आत्मा के साथ जुड़ा महसूस नहीं करती हूँ, तो आप ये भी कहते हो कि छोड़, ये सब श्री माता जी करेंगे, वहां से प्रैक्टिस कैसे नहीं कर पाती भैया? ऐसा है कि आपका जो क्षेत्र है टीचिंग का है बहन, नहीं भैया, आपका क्या क्षेत्र है? मैं घर पे ही रहती हूँ, कहीं नहीं कोई काम करती, अच्छा लेकिन मतलब कोशिश करती हूँ कि उन्नत हो जाऊं, कैसे हो जाऊं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं। मैं कह जैसे आप घर पे भी रहते हैं, मान लो आप घर पे भी रहते हैं, आपको जितना आपने काम सीखा है
अपने छोटों को बताना चाहते हैं। जी ठीक है, मान लीजिए आपकी बच्ची आपसे कोई प्रश्न करे और उसका उत्तर आपको मालूम ना हो, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं कल बता दूंगी। तो मैं ये आप कहीं से ढूंढेंगी कि हाँ अच्छा ये चीज है, ऐसे ढूंढ के बताऊंगी। तो क्या किया आपने, आपको छोटों को बताने के लिए आपने जानने का अभ्यास किया, जी अभ्यास किया ना एक तरीके से। आपने चाहे किताब पढ़ी, चाहे जी कोई चीज सुनी, या लेक्चर सुना, या यूट्यूब पे कोई मूवी देखी, वीडियो देखा उससे संबंधित, तो आपने किसी चीज को जाना ना। तो जानना जानना जो है एक प्रकार का अभ्यास है ना। जी तो अभ्यास इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं ध्यान के अभ्यास से। हम बहुत सारी चीजों का जान पाते हैं, जानकारी हासिल हो जाती है हमारे को। और हमारे अपना कर्तव्य यह है कि हमें जानकारी हासिल करने के लिए प्रयास करें, और उस प्रयास को सफल बनाते हैं ईश्वर। मान लीजिए आपको बच्चे को कोई बात बतानी थी, आपने सोचा कि मैं शाम को खाना बनाने के बाद 1 घंटा उस किताब को पढ़ूंगी या वीडियो देखूंगी, और उसके बाद बच्चे को जी बता दूंगी अगले दिन, राइट? अब जी आपने अपना कर्तव्य पालन करते हुए 7 बजे किताब खोल ली, और भगवान ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया, 1 घंटे के भीतर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होने दिया। तो किताब खोलने का कर्तव्य आपका था, और डिस्टर्ब अगर नहीं होने दिया है तो वो कार्य ईश्वर का था, वरना कोई भी आ जाए बीच में डिस्टर्ब हो जाए, आप ये कर ना पाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अभ्यास करना चाहिए, लेकिन मदद हमारी श्री माता जी करेंगी। पॉइंट समझ में आ गया? है बहन, पॉइंट समझ में आ गया? आ गया भैया कर्तव्य तो पालन करना है ना हमें। अब ध्यान के रूप में हम एक अभ्यास कर रहे हैं। अब उस अभ्यास को सफल कौन बना रहा है? साक्षात श्री माता जी। इसीलिए मैं हर बार ये कहता हूं कि इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, यही है सब कुछ। तो आपको उत्तर मिल गया? जी भैया तो ये होता है, इसलिए अभ्यास आवश्यक है। मतलब पहले जब ध्यान चल रहा था ना भैया तो 2 मिनट मैं लेट ही जुड़ी थी, लेकिन पूरा टाइम मतलब मैं कनेक्ट ही हूँ, ऊपर विचार आए जा रहे, लेकिन जैसे ही ध्यान खत्म हुआ तो वाइब्रेशंस का फ्लो बना स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो कोई वाइब्रेशंस ही नहीं थे, कुछ नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक, आज एकदम ब्लैंक थी, कुछ भी नहीं फील होता था। तो उसके बाद फिर जैसे अब इतने टाइम से सेशन चल रहा है, हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हो, हाँ जी, निर्विचारिता बनी है, बकायदा प्रिंट आ गया पे मतलब एनर्जी फील हो रही है, बार बार बीच बीच में से फील हो रही है, और कोई विचार तंग कर रहा। मैं बता रहा हूं इसका कारण, ये जादुई तरीके से अपने आप नहीं हुआ है। जब ध्यान चल रहा था तो आपका जो माइंड था ना, वो इंटरप्ट कर रहा था आपको, डिस्टर्ब कर रहा था, और डिस्टर्ब करके इतने विचार आ रहे थे क्योंकि ध्यान में जो घटनाक्रम चल रहे थे या ध्यान में जो आप सुन रहे थे उसको आपका सिस्टम डिनाई कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था कंडीशनिंग के कारण। और जब ये सारा सिस्टम खत्म हुआ, ध्यान का सेशन खत्म हुआ, बातचीत प्रारंभ हुई, तो बातचीत में आपकी रुचि बनी, और बातचीत में कोई कंडीशनिंग नहीं आ सकती थी आपके, क्योंकि बातचीत किन विषयों पे होगी ये आपको मालूम नहीं, और इस बातचीत को सुनने का आपके पास कोई अलग अभ्यास नहीं, तो कंडीशनिंग कोई थी नहीं बातचीत सुनने के लिए, तो आपके माइंड ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। और जब बातचीत में आपकी चेतना और आपका चित्र रमने लगा तो आपके विचार खत्म हो गए, और विचार खत्म हो गए तो ऊर्जा आने लगी। विचार अगर रहते हैं तो एनर्जी फील होती ही नहीं है, क्योंकि जो ध्यान चल रहा है वो, इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं करूंगा, जिस पैटर्न से हम ध्यान करते आ रहे हैं ना,
वही हमारी कंडीशनिंग बन के बाधा बनता है हमारा और रिजेक्ट करता रहता है, हम उसे रिसीव नहीं कर पाते, इसलिए हमारे आज्ञा में रिजेक्शन आती है। नहीं जो नहीं जो ध्यान शिफ्ट करवा रही है मैं उसे मतलब अडॉप्ट नहीं कर नहीं पा रही। नहीं एक तरीके से बात यह है कि आप जिस तरीके से पहले करती रही है ना, तो उस कारण कंडीशनिंग आपको रिजेक्ट कर रही है। आप इस ध्यान को, आपका माइंड इस ध्यान को रिजेक्ट कर रहा है, इस कारण से आपको नहीं आनंद आया। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई, अब बातचीत के प्रति तो कोई कंडीशनिंग हो नहीं सकती, तो बातचीत में आपको मजा आने लगा, आपकी चेतना इसमें रम गई और आपके विचार बंद हो गए और अपने वाइब्रेशन आने लगे। बस यही होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता बहन, कोई समस्या नहीं है। ये धीरे धीरे एडॉप्ट कर लेगा आपका सिस्टम जो है इस प्रकार के ध्यान को, फिर अड़चन नहीं आएगी। ठीक है बहन, जी जैसे कि अब जो बातें हो रही हैं इसमें कोई अड़चन नहीं आ रही। वो कंडीशनिंग के कारण है। मैं आपको देखी तो मैंने कभी अपने आप को कंडीशंस में नहीं बांधा कि मैं ऐसे ध्यान करूं वैसे। ठीक है जैसे श्री माता जी करवा दें कई नहीं बार मन में गिल्ट बहुत आता था पहले कि मैं मॉर्निंग का मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के कर ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर छोड़ दिया कि ठीक है जैसे श्री माता एक्चुअली जी आप दिन में भी तो करवा ही देते हो ना, फिर क्यों मैं मॉर्निंग के भी भाग रही हूँ कि हाँ भाई मुझे एक्चुअली मॉर्निंग। बात यह है कि जो ये सेशंस है ना जूम पे, जो सेशन होते हैं, ये हर बार कुछ अलग ही टाइप के होते हैं, अलग ही बातें होती हैं। तो एकदम से हमारा जो यंत्र है ना, हमारी जो माइंड है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो नॉन एक्सेप्टेंस के कारण हमारे थॉट्स प्रोसेस ऑन हो जाता है, बढ़ जाते हैं थॉट्स, तो फिर हमारी एनर्जी आएगी ही नहीं, हमें ध्यान लगेगा ही नहीं। ये है इसका कारण। पर जब आप धीरे धीरे छोड़ देंगे अपने आप को, इन सेशंस के हवाले कर देंगे अपने आप को, फिर आपको नई दिक्कत आएगी, फिर आप इसका एंजॉय करेंगे। ये बहुत ही एक सरल बात तो है। भैया कि चेतना क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, अभी तक तो कुछ नहीं समझ में आता भैया मुझे तो। तो वही तो कारण है ना, इसलिए तो ध्यान में मजा नहीं आता। आपने आपने पुराने वीडियो देखे हैं सेश, ये जो है या मैं तो शोक 2 बार देख चुकी हूँ, लेकिन मतलब जब एक स्तर आ जाता है ना बस उसके ऊपर फिर मेरी चेतना बढ़ नहीं पाती तो मुझे कुछ फील नहीं होता, तो मुझे कुछ समझ नहीं आना नहीं बंद हो मेरी जाता। मेरी बात का जवाब दीजिए आप, कि थर्ड वर्कशॉप से अच्छी लेकर 8-8 वर्कशॉप तक आपने सारे देखे हैं वीडियो? 112 वीडियो है लगभग इसके। अच्छा नहीं भैया पूरा 8 वर्कशॉप तक तो नहीं, मैंने थर्ड वर्कशॉप देखा फिर फोर्थ का भी देखा, बीच में स्किप हो गया क्योंकि मुझे ना उसमें फिर कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब मैं बस उस बस लेवल तक बस कर ही नहीं पाती। बस मुझे फिर बस लगता है कि मुझे पिछले एपिसोड की प्रैक्टिस करनी बस चाहिए। वही वही कारण है कि बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर हो गई थी 8 वर्कशॉप तक, और जूम सेशन ओके उसके बाद के घटनाक्रम है। इसलिए सारे लोगों से मैं ये कहता हूं जो नए नए जुड़ना चाहते हैं, कि आप 3रे वर्कशॉप से लेके 8वें वर्कशॉप तक ध्यान का आनंद ले लो, फिर जूम सेशन अटेंड करो, क्योंकि ये उसके बाद के घटनाक्रम है। तो अगर ये चीजें नहीं समझ ठीक में आ है रही है ना, तो बहन आपको क्या करना है कि आपको दोबारा वो देखने शुरू कीजिए, आपको धीरे धीरे इसमें फायदा हो जाएगा, फिर समझ में आने लगेंगी चीजें। क्योंकि इसमें समझने के लिए डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ध्यान का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, तब सब समझ में आएगा, तब आपका सिस्टम जो है रिसीव करने लगेगा, फिर सब समझ में आएगा। तो अभी चलिए आप जूम सेशन अटेंड तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ना अपना वो वाला देखना शुरू कीजिए, और मिस मत कीजिए उन्हें, वो चैप्टर हैं इससे पहले के, जूम सेशन से पहले के चैप्टर हैं वो,
अगर वो नहीं समझेंगे तो ये भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है भैया, ठीक है, हाँ जी, ओके। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट को मैं विनम्रता से मना कर देता हूं डायरेक्ट जूम सेशन में आने के लिए, इसी कारण से, क्योंकि मुझे मालूम है कि किस कुछ भी चीज पल्ले नहीं पड़ेंगी जूम सेशन में जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो थर्ड वर्कशॉप बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहा है, और समझ लीजिए पांचवे वर्कशॉप तक तो बिल्कुल, बल्कि छठे वर्कशॉप तक भी बेसिक चीजें चलती हैं उसमें। सातवें में थोड़ा सा ऊपर उठ के हुआ है शुरुआत, आठवें में भी थोड़ा अच्छे स्तर का है। तो इसलिए जरूरी होता है बेसिक्स क्लियर होना। हाँ जी, और बताइए कोई अन्य। मैं सबको जय श्री माता जी बोल रही हूँ भैया, मेरा तो फोन बंद होने जा रहा है। हाँ, सभी के बैटरी डाउन होगी। आज काफी लंबे सेशन हो गए, आज वैसे बातचीत बहुत सारी हो गई। और कोई सबको जय समाप्त श्री माता करें, जी। बाकी लोग, अगर कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं तो समाप्त कर दें, जय श्री माता जी बोल दें। अरे बता तो, सो गए जय श्री क्या? माता जी भैया, जय चलो मैं तो जा रही हूँ। श्री माता जी भैया, श्री माता जी, जय श्री माता जी, ठीक है दीदी, जय श्री जय श्री माता माता जी, जी, जय श्री माता जी, सभी को जय श्री माता जी। जय श्री